आपने लखनऊ शहर में विभिन्न प्रकार के मकबरे, ऐतिहासिक इमारतें, कई सुंदर बाग बगीचे और मंदिर देखे हैं, जो लखनऊ शहर के बीते समय को दर्शाता है, या यूं कहें लखनऊ के इतिहास को दर्शाता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आधुनिक लखनऊ को आने वाले वक्त में कैसे दर्शाया जाएगा? आज इस वीडियो में हम आपको लखनऊ के एक ऐसे वर्तमान समय के अद्भुत मंदिर से परिचित कराएंगे, जो आने वाले वक्त एक अनूठी आधुनिक कला शैली को प्रसारित करेगा। मंदिर का नाम हनुमंत धाम है, जिसका निर्माण पिछले 7 वर्षों से चल रहा था और अब यहाँ के द्वार 6 जुलाई 2022 से पूर्ण रूप से सभी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि लखनऊ शहर की इस नई धरोहर को एक बार जानने की कोशिश अवश्य करें और यहाँ जरूर पधारें, क्योंकि एक बार आप आएंगे तो बार बार आएंगे। मंदिर के विषय में पूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस दिव्य मंदिर का नाम हनुमंत धाम है। इसकी बनावट देखकर निश्चित ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मंदिर के अंदर आपको ऐसे मनमोहक नज़ारे देखने को मिलेंगे जो आपका दिल जीत लेंगे। मंदिर से आपको गोमती नदी भी बहती हुई दिखाई देगी, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। आइए अब आपको मंदिर का भ्रमण कराते हैं, साथ ही कुछ विशेष बातें भी बताते हुए चलते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको कई छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होंगे। इनमें एक तरफ गणेश जी और दूसरी तरफ 9 ग्रहों के मंदिर शामिल हैं। यह मंदिर मुख्य रूप से शंकर भगवान और हनुमान जी का है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के मुख्य गर्भगृह के, जहां बजरंगबली विराजे हुए हैं। बजरंगबली की यह खूबसूरत मूर्ति सफ़ेद पत्थर की है, जिसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। इसके अलावा बजरंगबली की मूर्ति पर एक बेहद ही आकर्षक और सुंदर चांदी का मुकुट भी है। इस गर्भगृह में हनुमान जी के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती और बजरंगबली के आराध्य भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता भी हैं। यहाँ कई आकर्षक पेंटिंग्स भी हैं। इसके अलावा एक बड़ा सा हवन कुंड भी बना हुआ है। तो ये तो था मंदिर का मुख्य गर्भगृह। अब चलते हैं दूसरे गर्भगृह की ओर, जो ठीक हनुमान मंदिर के बगल में है। पहले आपको इस मंदिर के ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं, जहां भगवान शंकर की नीले रंग से रंगी बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी है, जो इस मंदिर के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, जहां ठीक सामने शिवलिंग स्थापित है और साथ ही शिव पार्वती और उनकी गोद में विराजे गणेश जी हैं। मंदिर के दोनों तरफ लेटे हुए, बड़े ही प्यार से शिवलिंग को पकड़े हुए हनुमान जी हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद जब आप आगे की ओर प्रस्थान करेंगे तो आपको माँ दुर्गा के भी दर्शन प्राप्त होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ का एक बेहद ही मनमोहक नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से सीधे गोमती नदी के दर्शन होते हैं। ये दृश्य कितना मनमोहक है, ये जानने के लिए आपको एक बार अवश्य पधारना चाहिए। यहाँ से कुछ कदम बढ़ते ही मुख्य मंदिर के ठीक पीछे है एक बालकनी, जहाँ से इस मंदिर के नीचे का संपूर्ण नज़ारा दिखता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं नीचे, जहाँ का नज़ारा और ही ज़्यादा सुंदर है। लेकिन उससे पहले पुराने हनुमान जी के भी दर्शन करा देते हैं, जो नए मंदिर के नीचे हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको लक्ष्मी नारायण और माता सरस्वती जी की प्यारी सी मुस्काते हुए मूर्ति दिखेगी। इसके अलावा आपको बजरंगबली की एक गेरुआ रंग से रंगी राम नाम जपते हुए भी मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित है।
कहते हैं कि यहाँ कुल 125,000 हनुमान जी हैं, जिसका मतलब 125,000 से है, जो कि आपको किसी न किसी रूप में या किसी न किसी स्थान पर दिखेंगे, चाहे वह दीवारों पर बनी आकृति हो या मुख्य दरवाजे पर हो या मंदिर के प्रांगण में किसी न किसी कोने पर हो। मंदिर में आपकी नज़र जिधर भी पड़ेगी, आपको हनुमान जी जरूर दिखेंगे। चलिए अब आपको राधा कृष्ण के भी दर्शन कराते हैं, जिन्हें इतने खूबसूरत स्थान पर स्थापित किया गया है, जहां से आपको इतने अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे कि क्या ही कहने। यहां से 76 मंजिल भी दिखती है, जो लखनऊ शहर की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये रहे राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के ठीक पीछे ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ तो एक बार झूले पर बैठकर फोटो जरूर खिंचाना चाहिए। आइए चलते हैं अब नदी के किनारे, वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाते हैं। यह रही बहती हुई गोमती नदी, जिसे देखकर आपके मन को शांति प्राप्त होगी। यहाँ से मंदिर और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। रात के वक्त जब यहाँ लाइट जलती हैं, तब इसकी रौनक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आइए आपको अब रात के समय के भी कुछ नज़ारे दिखाते हैं। ये तो जान ही लिया है आपने कि आपको जाना कहाँ पर है, पर इस अद्भुत जगह पर जाने के लिए रास्ता भी तो जान लीजिए। परिवर्तन चौक से पुलिस चौकी होते हुए राणा प्रताप मार्ग पर पहुंचेंगे तो हनुमंत धाम का बोर्ड दिखेगा। बस यहां से आपको 100 मीटर की दूरी पर मिलेगा हनुमंत धाम। सड़क के ठीक किनारे है मंदिर का मुख्य द्वार, जहां से आप मंदिर में प्रवेश करेंगे। वैसे तो मंदिर भक्तों के लिए हमेशा खुला है, पर भगवान के दर्शन के लिए दिन में 2 बार गर्भगृह के द्वार खोले जाते हैं, जिसका समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक है। आज के समय के तनाव भरे जीवन से अगर आप कुछ पल के लिए शांति चाहते हैं, तो हनुमंत धाम में आएं और कुछ पल सुकून के बिताएं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप इस मंदिर में आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस मंदिर के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे इंस्टाग्राम पेज UP तड़का को फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।